नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सीआरटीएस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेटरिंग अक्षरांकन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक ड्राइंग पर उसका विवरण लिखने को अक्षरांकन कहते हैं। जिस तरह से देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ड्राइंग पेपर है, ये हमारा ड्राइंग पेपर है और इस पे मैं जो भी विवरण दे रहा हूँ, जैसे ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, डी बनाया, इस तरह के जो विवरण हम दे रहे हैं इस पे, वो क्या है, हमारा ड्राइंग पेपर के क्या हुआ, एक विवरण देना। अगर हम कहें तो इसका एग्जांपल में तो कोई ना कोई इसका माप होगा। जैसे यहाँ से हमने क्या किया, ये जो पूरी शीट आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ये जो पूरी शीट आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका कोई ना कोई एक माप दिया गया है, ये इसका कोई ना कोई एक माप दिया गया है। अब इस माप के अनुसार हम क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को या जो भी है इस पे विवरण को लिखने के अक्षरांकन को या लेटरिंग को हम इस पे माप के अनुसार दर्शाते हैं। जैसे अगर कहा जाए तो यहाँ से यहाँ तक किसे कोई एक माप लिया गया है और यहाँ से हम क्या करते हैं इसको, दोस्तों जो माप की बात आती है वह हम क्या करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में कि जो भी ऑर्थोग्राफी है, ऑर्थोग्राफी होता है या आइसोमेट्रिक भी होता है या ड्राइंग में जो भी पेपर होते हैं, संख्याएं होते हैं या अंक होते हैं या अक्षर होता है, तो हम कैसे माप लेते हैं उसका। तो मान लीजिए एक आइसोमेट्रिक व्यू है हमारा, ये हमारा क्या हुआ, आइसोमेट्रिक व्यू हुआ, उसको क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम कोई ना कोई एक डायमेंशन लाइन लेते हैं और डायमेंशन लाइन लेने के बाद इसके बीच में मान लीजिए 10 mm, मान लीजिए इसके बीच में 20 mm, तो इस तरह का मान लीजिए इसके बीच में 50 mm, इस तरह का हम माप लेते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, माप, ऑर्थोग्राफिक रूप से इसका माप और ड्राइंग में संख्याएँ, इसमें संख्या जो इन इसके और इसके बीच की दूरी को दर्शाया गया है, संख्या तथा अक्षर से हम इसको क्या करते हैं दोस्तों दर्शा, अक्षर शैलियाँ देखा जाए तो कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 टाइप की होती हैं। अक्षर शैलियाँ देखा जाए तो कितने टाइप की होती हैं, तो 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सिंगल स्ट्रोक, एक नंबर में अगर देखा जाए तो सिंगल स्ट्रोक, इटैलिक एंड वर्टिकल लेटर, सिंगल स्ट्रोक, इटैलिक एंड वर्टिकल लेटर क्या होती है दोस्तों, पेन या पेंसिल को, इसमें अगर देखा जाए तो पेन या पेंसिल को बिना उठाए कोई भी वर्ड को एक ही बार में लिख देता है, कोई भी वर्ड को एक ही बार में लिख देता है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, सिंगल स्ट्रोक इटैलिक अक्षर। अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सात संबंधे चार से सात संबंधे पाँच के अनुपात में इसको हम बनाते हैं, किसको, इटैलिक वाले अक्षर को 7:4 से 7:5 के अनुपात में। इसमें अगर देखा जाए तो एक एक्सटेंडेड क्या होता है दोस्तों, एक्सटेंडेड, EXTENDED, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड टाइप होता है और दूसरा क्या होता है, कॉम्प्रेशन टाइप होता है, दूसरा क्या होता है, कॉम्प्रेशन टाइप होता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि कॉम्प्रेशन टाइप में एक तो फैले हुए अक्षर को दर्शाता है और दूसरा क्या होता है, पिचके हुए अक्षर को दर्शाता है। जैसे अगर हम देखें तो ISI के अनुसार, ISI के अनुसार देखा जाए तो अक्षरों को दोस्तों 67.5 डिग्री से 75 डिग्री के कोणों पर हम लेटरिंग या अक्षरांकनों को लिखते हैं। कितने डिग्री पर, डबल स्ट्रोक अक्षरों में क्या होता है कि लेटरिंग कैसे लिखी जाती है, तो दोस्तों डबल स्ट्रोक अक्षरों में क्या होता है कि इसके बीच की जो सुंदरता दिखाई है, इसके अक्षरों के बीच की जो दूरी है,
उसको क्या करते हैं हम दोस्तों, सौंदर्य देखने के लिए हर एक अक्षर के बीच में हम एक लाइन या दो लाइन का गैप देते हैं, क्योंकि हमें सुंदरता दिखनी चाहिए। और तीसरे टॉपिक में होता है दोस्तों कि लेटरिंग बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा भी हम क्या करते हैं दोस्तों, अपने अक्षर को मनचाहे जैसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के अगर देखा जाए तो हम कुछ ए इस आकार का भी कंप्यूटर बना सकते हैं। अगर देखेंगे तो ए बी कुछ इस आकार का भी दिखाई आपको देगा। अगर देखे जाए तो सी या डी कुछ इस आकार का दिखाई देगा। इस तरह से दोस्तों क्या करते हैं हम, किसी भी कंप्यूटर में अक्षरांकन को जब लिखते हैं तो मॉडलिंग के रूप में और कंप्यूटर में स्वच्छता, इनके बीच की दूरी को, सुंदरता को दर्शाने के लिए या स्वच्छता को दिखाने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि डबल स्ट्रोक में ड्राइंग को, अक्षरांकन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों एक मान लीजिए नील गगन का आपने पेपर ले लिया, ठीक है दोस्तों, और उसको क्या करेंगे, इधर से हम 10 mm का, ऊपर से हम 10 mm का ले लिए, इधर से हम 25 का ले लिए और इधर से 10 का ले लिए। इस तरह के क्या करेंगे हम, आउटलाइन खींच देंगे दोस्तों। और जब हम आउटलाइन खींच लेते हैं तो उसके बाद से क्या करते हैं, एक डिवाइडर होता है। तो जो डिवाइडर होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें दो सुइयां होती हैं और एक रिवेट के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। अब इसके द्वारा दोस्तों हम 5 mm का इंजीनियरिंग स्केल पे जो पैमाने लिखे होते हैं उस पे से नाप लेते हैं। और नापने के बाद से दोस्तों ये जो खाना यहाँ से 5-5 mm का निकला है यहाँ से, तो उस खाने को क्या करेंगे, डिवाइडर से दोस्तों हम क्या करेंगे, नापते चले जाएंगे लास्ट छोरे तक और फिर वही इधर तक चले जाएंगे। और ये करने के बाद दोस्तों ए को हम कितने में बनाएंगे दोस्तों, तो क्या करते हैं हम इधर से 5 mm, ये जो लाइन आपको दिख रही है वो कितने की है, तो 5 mm की है। और वो 5 लाइन छोड़ने के, 5 mm छोड़ने के बाद क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये दोस्तों 5, ये 5 में हमारा क्या बनाया दोस्तों, ए बनाया। तो कितने में हम कहेंगे, 5 में। 4 कितने में बनाया दोस्तों, तो 4 में। अब दोस्तों इसमें बताना है ये कि ये बनता कैसे है। एक स्केल का पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे और दोनों क्या करेंगे दोस्तों, इसके सीधे खींच देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम पॉइंट लगा के, अब ये 5 के पॉइंट का बिंदु है दोस्तों, जब ये 5 के पॉइंट का बिंदु है दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक के क्या करते हैं हम, ये खाना छोड़ने के बाद इधर से 2.5 ले लेंगे और इधर से 2.5 ले लेंगे, इसके बीच से सीधे लास्ट छोरे पर आएंगे ऐसे, और इस सीधे इसके बीच से हम लास्ट छोरे पर आएंगे ऐसे, और इसके बीच को 2 खाने छोड़ने के बाद दोस्तों मिला देते हैं। और मिलाने के बाद से क्या है दोस्तों, हम इसको शेडिंग कर देते हैं। और ये शेडिंग करने के बाद दोस्तों कुछ ए अक्षर हमारा कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई दे देगा, कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई दे देगा। तो दोस्तों उसी तरह से हम बी का निर्माण करते हैं। तो बी भी दोस्तों वही है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और कितने में दोस्तों खींचेंगे, तो 7:4 के अनुपात में या 7:5 के अनुपात में या दोस्तों 7:6 के अनुपात में। अभी मैं सारा बता दे रहा हूँ कि ये कैसे 7:4, 7:5, 7:6 हो रहा है। तो एक सीधी लाइन खींचेंगे 7:4, 7 क्या है दोस्तों और 4 क्या है दोस्तों, तो 4 जो है दोस्तों वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और 7 क्या है दोस्तों वो हमारी वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन दोस्तों मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक। और ये यच क्या है दोस्तों, तो यच का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल, मतलब एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, 4 लाइन, मतलब बी में कितना लिए हैं दोस्तों, तो 4 लाइन लिए हैं। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं या दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार का हम बताते हैं कि कैसे बी को हम घुमाते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हम 4 खाना लेंगे दोस्तों, 4 खाने के बाद ये पॉइंट रहेगा हमारा यहाँ पे। अब यहाँ से हम डिवाइडर को लगाएंगे ये इस जगह से, और लगाने के बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे 5 mm का पॉइंट लेके हम इसको ऐसे घुमा देंगे। फिर यहीं से हम 10 का पॉइंट लेके इसके यहाँ से घुमा देंगे और फिर नीचे आएंगे, एक वर्ग लेंगे। वर्ग लेने के बाद इस पॉइंट से दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 को घुमा देंगे। अब उसके बाद दूसरे लाइन को क्या करेंगे, 5 mm लेके फिर घुमा देंगे और दोस्तों उसको शेडिंग कर देंगे। कुछ भी हमारा इस प्रकार का बन के तैयार हो जाएगा। अब उसी तरह से सी का दर्शाएंगे दोस्तों। तो सी में भी क्या है दोस्तों, पहले 4 का 1 वर्ग ले लेंगे, 4 खाने का 1 वर्ग बना लिए, इसके पॉइंट पर यहाँ रख लिए, वहां से 5 mm लेंगे तो दोस्तों ये घूम जाएगा। फिर से सी का ऐसे ऊपर से लेके आएंगे, घूम जाएगा। यहाँ से 3 खाने का सीधे स्ट्रेट लाइन है। फिर यहाँ लास्ट कोने में हम 4 का
दोस्तों वर्ग लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से 5 mm का लेके एक रेडियस बनाएंगे, फिर 10 का लेके एक रेडियस बनाएंगे, और उसके बाद से दोस्तों इसको मिला देंगे, और फिर क्या करेंगे हम इसको शेडिंग कर देंगे, ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, सी तैयार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा डी है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से डी है दोस्तों। तो जब हम डी को दर्शाते हैं, जब हम डी को दर्शाएंगे तो क्या करेंगे, सी ये स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हम क्या करते हैं, वही वर्ग वाला काम करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और इसको रेडियस बना लेंगे। ठीक फिर तीन तीन लाइन इसको खींच लेंगे, यहाँ फिर कोने में एक वर्ग बनाएंगे, इसको क्या करेंगे 5 वाला रेडियस खींच के इसको घुमा देंगे, हमारा डी भी तैयार हो जाएगा सिंपल में दोस्तों। ई की बात है तो ई सिंपल है दोस्तों, क्या करेंगे 4 खाने लेंगे, इधर से 7 खाने लेंगे, इधर से 3 खाने, इधर से 3 खाने, इधर से 3 खाने, ये हमारा ई दोस्तों तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार के यफ है दोस्तों, यफ भी ईजी है, अब दोस्तों जी है दोस्तों, तो ठीक उसी प्रकार से वर्ग लेंगे और रेडियस उसी तरह बनाते हुए इसका हम जी को निर्माण करेंगे। जी देखिएगा दोस्तों ये अंदर की तरफ होता है, यह सिंपल है दोस्तों, 4 में बनेगा, आई 1 में बनेगा, जे 1 में बनेगा, के दोस्तों 4 या 5 में बनता है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि 4 या 5 का बनने का मतलब ये नहीं, इसका ये जो सिरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका ये जो सिरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वह दोस्तों एक लाइन ये एक खाना छोड़ने के बाद ही हम इसको क्रॉस काटते हैं, यह दोस्तों 4 में बनता है। यम दोस्तों 5 या हम 6 में ले सकते हैं, यम दोस्तों 4 में ले सकते हैं, ओ दोस्तों 4 में बनाएंगे, पी 4 में, क्यू 4 में, आर 4 में, यस 4 में, टी दोस्तों 5 में, 2 इधर खाना, 2 इधर खाना और एक बीच में स्ट्रेट लाइन, यू 4 में, भी दोस्तों 5 में बनाएंगे, डब्लू दोस्तों 6 में बनाएंगे, एक्स दोस्तों 5 में, वाई 5 में, जेड 4 में दोस्तों, आई ये रोमन अंक होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जिस तरह ये इसमें सिंबल दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से लेके अंक का अक्षरांकन किया गया है दोस्तों, इसको भी आप से सिंपली बना सकते हैं। 2 को कैसे घुमाना है, एक वर्ग लेंगे वहाँ से इसको घुमाएंगे, 3 को कैसे घुमाना है दोस्तों, एक वर्ग लेंगे और वहाँ से कैसे इसको घुमाएंगे दोस्तों, तो 3 उसी प्रकार से बन जाएगा। अब 5 है दोस्तों सिंपल, उसी तरह से जिस तरह से आप वो बनाए उसी तरह से आप 6 को भी बना सकते हैं, 8 को भी बना सकते हैं, 9 को भी बना सकते हैं और 0 को भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी लेटरिंग का अक्षरांकन, नमस्कार दोस्तों।